हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंटिसिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है, कितने दिन इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जेंटिसिन इंजेक्शन आता है एबट कंपनी का और इसका MRP है 5 रुपये 6 पैसे एक एम्प्यूल का। और इसका जो कंटेंट्स है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन 80 mg के ये मिलीग्राम में आता है और 2 ml का इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों प्रकार से दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके प्रयोग की, इसके इस्तेमाल की, ये किस काम में आता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक के प्रॉब्लम को ठीक करता है। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है तो इसके बहुत से काम होते हैं, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, दिमागी बुखार, टाइफाइड, आँखों की समस्याएं, आग से जल जाने पर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, जख्म और घाव को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, टांके, जख्मों के जो टांके होते हैं उसे सुखाने के लिए, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, आँख, नाक, कान, गले में कोई संक्रमण हो गया हो, ENT कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो, तो उसमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, चर्म रोग, अंदरूनी सूजन, खून में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ऑपरेशन के बाद आने वाले टांकों को सुखाने के लिए, दर्द, सूजन जैसी बहुत सी समस्याओं के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को सुबह शाम या फिर एक टाइम भी बताते हैं डॉक्टर, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि उसे कितनी ज़रूरत है इस इंजेक्शन की। और इसे कम से कम 3 दिन या फिर 7 दिन डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसके नुकसान की बात करें, तो इससे चक्कर, खुजली, कानों में भनभनाहट, उल्टी, मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से कभी यूज़ नहीं करना, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टर की सलाह इसे यूज़ नहीं किया जाता है। धन्यवाद।